अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, क्या कहता है आप लोगों से, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवे पद क्रमश है 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब टी एन का मान आपको ज्ञात करना है, एन वा पद, मतलब जो एन जो है ना वो एन वा पद आप लोगों को ज्ञात करना है, सीधी सीधी बात आप लोग दी गई है। तो क्या कह रहा है आप लोगों से, एपी के नौवे और तीसरे पद, ये नौवा पद होगा, जिसको हम लिखेंगे ए प्लस 8d और ए प्लस 8d दिया गया है 4। नौवा तीसरे और नौवे, तो ये सॉरी ये नौवा पद कितना दिया गया था आपका -5, और तीसरा मतलब ए प्लस 2d कितना दिया गया 4। तीसरे और नौवे थे ना, पद ऊपर नीचे करने से कोई इश्यू नहीं होता, घटाने पर लोबन से हल करेंगे तो ए और डी का मान ज्ञात करना है ना सबसे पहले, ये हो जाएगा 6d = -12 ठीक, और d = आपको आएगा 2। ए का मान आपका कैसे ज्ञात होगा, एक में रख दीजिए समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण एक में यदि आप डी का मान रखते हो ए प्लस 8d का मान 2 माइनस का 8, 8 2 16, तो एक मान कितना आएगा, एक मान आपका आने वाला है 8, कोई प्लस का कोई इशू, ओके ठीक। अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए 9th नंबर के क्वेश्चन में, जब आपका ए का मान आ गया और डी का मान आ चुका है। अब आप लोगों से पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि आप लोगों को ए का मान आ गया डी का मान आ गया, आप ए एन कौन सा पद जो है आपका 0 होगा, तो आपने उसने दे दिया है कि ए एन का मान 0 है, वो एन का मान आपको ज्ञात करना है, तो ए एन या टी एन जिसको हम कहते हैं, ये आपका ए एन, ये आपका एल, एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए एन 0 है, ए का मान कितना है 8, एन का मान आपको फाइंड करना है, डी का मान कितना है -2। आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 2-5, ये भी इधर आ जाएगा बटे में, यहां से उठ के -- कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, n-1 = 4 होगा, तो n = 5 हो जाएगा, क्यों ये एक इधर जाएगा। अब इतने भी गलती नहीं हो गई, यदि आप पेपर देने के लिए जा रहे हो कि बराबर से धराने पर प्लस का माइनस होता है कि माइनस का प्लस, तो वो पांचवा पद है इस श्रेणी का, पांचवा पद है जिसका मान कितना होगा 0 होगा, कोई इश्यू आपको इसमें नहीं होना चाहिए।